नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की। आपको पता है कि कल माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सभी बहनों के खाते में राशि डाल दी गई है। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो राशि थी उसको अब बढ़ा दिया गया है। दोस्तों कितनी बढ़ी है उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। और यहाँ पर राशि बढ़ाने के साथ साथ में अब यहाँ पर आपको जो है 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से भी दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कैसे मिलेगा, क्या है योजना, पूरी अपडेट आपको यहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लाडली बहनें हैं सभी लाडली बहनों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या बड़ी घोषणा करी है और यहाँ पर बहनों को अब क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर काफी जो है फायदा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हर महीने उनको किस्त आ रही है। इसी बीच यहाँ पर अब फिर से बड़ा अपडेट कर दिया है, अब राशि को बढ़ा दिया गया है। तो कितनी राशि बढ़ाई है उसकी जानकारी देख लीजिए। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे और हर प्रकार की सरकारी योजना आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते बताते पूरी जानकारी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। पूर्व सीएम जो शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना चलाई थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसी बीच यहाँ पर अब डॉक्टर मोहन यादव जी भी पीछे नहीं रह रहे हैं। उन्होंने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं किए जा रहे हैं और यहाँ पर लाडली बहनों को नए नए तोहफे दिए जा रहे हैं। उसी बीच यहाँ पर राखी का तोहफा भी मिला था और अब यहाँ पर जो है इसमें एक और बड़ा अपडेट हो चुका है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर। जैसे कि यहाँ पर आपको देख लीजिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आ चुका है। लाडली बहना योजना में 3,000 नहीं 5,000 देने से भी पीछे नहीं हटेगी सरकार। बुंदेलखंड में बनेगा आरटी पार्क, मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो आपको पता है कि 1,000 से शुरुआत हुई थी और इसको 3,000 रुपये तक का वादा किया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या कहा है, लाडली बहनों को 3,000 नहीं 5,000 देने से भी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी घोषणा हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन यादव जी ने क्या घोषणा करी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को बिना में लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार लाडली बहनों को 3,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपये भी देगी। उन्होंने साफ किया है कि लाडली योजना कभी बंद नहीं होगी। सीएम ने मतलब यहाँ पर एक बड़ी घोषणा हो चुकी है दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कभी बंद नहीं होगी बल्कि इसमें भी अब वृद्धि होगी। मतलब यहाँ पर 3,000 रुपये जो राशि थी अब उसको 5,000 रुपये तक भी किया जा सकता है। तो उन्होंने साफ किया है कि यह योजना कभी भी बंद नहीं होगी। यहाँ पर जो है सीएम ने बिना में जो योजना था आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना खाते में राशि कल ट्रांसफर करी थी। तो यहाँ पर 1,574 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहनों को खाते में ट्रांसफर कर दी है, जो कि 1,250 रुपए सभी बहनों के खाते में आ चुके हैं। तो उसके साथ यहाँ पर देखिए सीएम ने कहा कि अभी योजना में मिलने वाले 1,250 रुपए का इस्तेमाल रोजगार यहाँ पर किए जा रहा है। तो यहाँ पर इस योजना को और भी आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का 3,000 रुपए की राशि थी उसको यहाँ पर 5,000 रुपए तक का वादा है उसको पूरा किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 3,000 रुपये पहले थे लेकिन यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5,000 रुपये की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर बहुत जल्द यहाँ पर जो है पैसा बढ़ने वाला है। मतलब यहाँ पर 1,250 की राशि थी उसको यहाँ पर जो है 1,500 रुपये किया जा सकता है। तो दोस्तों बहुत जल्द यहाँ पर इस राशि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तीसरे चरण का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो तीसरा चरण कब चालू होगा ये कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है। तो जैसे कुछ अपडेट आता है आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आगे भी ऐसे नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तत्ले वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।